ग्रैंड न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा चौहान। कोरबा में कोतवाली थाना अंतर्गत सीतामढ़ी स्थित एक घर के सेप्टिक टैंक में अवैध रूप से महुआ शराब बनाना एक परिवार को काफी महंगा पड़ा। शराब बनाने के दौरान नशीली गैस का रिसाव होने से तीन युवक टैंक में ही बेहोश होकर गिर गए। इस घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। आनन फानन में लोगों की सहायता से तीनों को बाहर निकाला गया, जिसमें से एक की मौत हो गई जबकि दो की हालत अस्पताल में गंभीर बनी हुई है। कोतवाली थाना अंतर्गत सीतामढ़ी बस्ती में उस वक्त सनसनी फैल गई जब तीन युवक सेप्टिक टैंक में बेहोश होकर गिर पड़े। आनन फानन में तीनों को लोगों की सहायता से बाहर निकाला गया, जिसमें से नरेंद्र सहिस नामक युवक की मौत हो गई जबकि दो की हालत गंभीर बनी हुई है, जिनका उपचार अस्पताल में जारी है। बताया जा रहा है कि घर के सेप्टिक टैंक में अवैध रूप से महुआ शराब बनाने का काम होता है। नरेंद्र सहिस इस कार्य को अंजाम देता था। बीती रात भी नरेंद्र कुछ लोगों की सहायता से सेप्टिक टैंक के भीतर महुआ शराब बनाने की प्रक्रिया को अंजाम दे रहा था। इसी दौरान नशीली गैस का रिसाव होने से नरेंद्र के साथ ही उसका साथी कृष्णा बरेठ बेहोश होकर टैंक में ही गिर पड़ा। परिवार के लोगों को जब इस बात की जानकारी हुई तब बस्तीवासियों की सहायता से दोनों को बाहर निकालने का प्रयास शुरू किया गया। इस दौरान बिहारी नाम का व्यक्ति भी बेहोश होकर टैंक में ही गिर पड़ा। जैसे तैसे तीनों को बाहर निकाला गया, लेकिन जब तक काफी देर हो चुकी थी और नरेंद्र ने दम तोड़ दिया था। वहीं कृष्ण और बिहारी गंभीर हैं, जिनका उपचार किया जा रहा है। जानकारी वही हल्ला हुआ ना, तो मेरा छोटा नाती है, वो आया, दादा दादा पापा कैसा कर रहे हैं। नीचे दौड़ा उसको पकड़ने के लिए, क्या हो गया मेरे जीजा को, ऐसे करके तो गया, तो वो भी नशा में उसी के ऊपर लटका गया वो, और वो नीचे लटका हुआ था, दोनों वो दौड़ गया वहीं नीचे निकालने के लिए, वो भी बेहोश हो गया था। इसके बाद मोहल्ले के आदमी आए सब, इसके बाद उसको निकाल के बाहर किए, जब तक इसका दम घट गया था लगता है मेरे को। तो क्या क्या चीज़ था, क्या बना रहे थे नीचे में लोग? नीचे में वो पास था, तो पास निकाल रहे थे दारू बनाने वाले, महुआ। तो ये क्या पीने के लिए बनाते हैं कि बेचने के लिए बनाते हैं? वो पीता भी था और बेचता भी था। देर रात जानकारी हुई कि सेफ्टी टंकी में गिर गए एक आदमी, और वो निकाले पर भी गिरी शुरू गिर गए। जब आए देखे तो बाहर निकाल डाले, इन तक 112 वगैरह कॉल करके वो तत्काल अपन जिला अस्पताल भेजे हैं। कई जन के मौत हुए हैं, कई जन उतरे नीचे, एक जन के मृत्यु हो गए बताते, और एक जन अभी भी मतलब तबीयत खराब है, एडमिट है। इस घटना में गंभीर कृष्णा बरेठ से हमने बातचीत की। उसने बताया कि सेप्टिक टैंक के भीतर प्लास्टिक के डिब्बे में रखे हुए महुआ पास को निकालने का काम किया जा रहा था, तभी एकाएक वो बेहोश हो गया, जिसे बचाने के चक्कर में नरेंद्र भी टैंक में गश खाकर गिर पड़ा। पिछले लंबे समय से उनके द्वारा घर के सेप्टिक टैंक में महुआ शराब बनाया जा रहा था, जिसका उपयोग पीने के साथ ही बेचने के लिए भी किया जा रहा था। पानी वानी फेंक रहे थे, घर का अधिकार रहे थे डब्बा में। सेप्टिक टैंक में नीचे में क्या रखा हुआ था? वो पास था सर, महुआ का। हाँ, कौन बनाता था शराब? हाँ, शराब कौन बनाता था? बोलो जो। हाँ, कितना डिब्बा रखा होगा? 5-6 डिब्बा सर। इस वक्त हम खड़े हैं कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत जो है सीतामढ़ी के जो है नई बस्ती में, जहां सेप्टिक टैंक पर जो है शराब बनाया जा रहा था, जहां एक युवक की मौत हो गई है, वहीं दो की हालत काफ़ी गंभीर बताया जा रही है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आप देख सकते हैं किस तरह जो सेप्टिक टैंक पर जो है महुआ शराब बनाया जा रहा था, जो है इस पर पहले एक युवक गिरा, उसके बाद फिर एक युवक को जो है बचाने के लिए गया, फिर एक और युवक जो है बचाने के लिए, तीनों जो है नीचे बेहोश की हालत में पड़े हुए थे। घटना की सूचना जो है 112 को दी गई, जहां 112 की टीम मौके पर पहुंची और तीनों को बाहर निकाली, जहां एक को जो है जिला मेडिकल कॉलेज लेकर गए, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। ग्रैंड न्यूज़ के लिए मनोज यादव, कोरबा।